हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेबुरोल 80 mg टैबलेट के बारे में। ये जो फेबुरोल 80 mg टैबलेट है, ये किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इस टैबलेट के क्या यूजेस हैं और इसमें जो कंटेन पाया गया है वो क्या वर्क करता है, इसकी डोज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो फेबुरोल 80 mg टैबलेट है, इसको जूनिवेंटिस मेडिको लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसकी आपको एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी, जो कि कुछ इस तरह से आती हैं। और इसके एक स्ट्रिप के प्राइस की बात करें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 176 रुपीज़ में मिल जाएगी। और इसमें कंटेन की बात करें तो इसमें सिंगल कंटेन फेब्रुक्सोस्टेट पाया गया है। फर्स्टली हम दोस्तों जानते हैं इसमें जो फेब्रुक्सोस्टेट पाया गया है वो क्या वर्क करता है। दोस्तों, ये जो टैबलेट है, ये एक तरह की जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग है। ये ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके अदर ब्रांड नेम के बारे में। जैसे ये आपको मार्केट में फेब्रुक्सो टैबलेट के नेम से, फेबुडन नेम से, फेबुस्टेट के नेम से मिल जाएगी। इसके और भी अदर ब्रांड नेम आते हैं, आप किसी भी ब्रांड नेम की ये जो टैबलेट है वो ले सकते हैं, बट इसमें जो फेब्रुक्सोस्टेट कंटेन है वो सेम रहना चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों इस टैबलेट के क्या यूजेस हैं, ये किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। दोस्तों, इस टैबलेट का मेनली यूज़ गाउट और हाइपरयूरिसीमिया में किया जाता है। गाउट क्या होता है? गाउट एक प्रकार का गठिया होता है। इसमें पेशेंट के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनमें कठोरता आ जाती है और सूजन होने लगती है। ये जो गाउट की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर पैर के अंगूठे को इफेक्ट करती है, लेकिन ये आपके शरीर में अन्य हिस्सों में भी होती है। जैसे ये कूनी, एड़ी और जोड़ों को भी इफेक्ट करती है। तो उस कंडीशन में, गाउट की प्रॉब्लम में, डॉक्टर ये जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड दोस्तों, इसका यूज़ हाइपरयूरिसीमिया में किया जाता है। ये तब होता है जब एक्सेसिव हाई क्वांटिटी में यूरिक एसिड ब्लड में जमा होने लगता है। इस कंडीशन में पेशेंट को गाउट और किडनी स्टोन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से लीड करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में भी ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ है वो किया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इस टैबलेट की क्या डोज है। फर्स्टली दोस्तों, आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस से इसका जो यूज़ करना है, डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज प्रस्क्राइब करते हैं। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर प्रस्क्राइब करते हैं। जैसे पेशेंट को 40 mg देनी है कि 80 mg देनी है, आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस टैबलेट का यूज़ करें। इसकी जो नॉर्मल डोज 1 tablet रहती है। पेशेंट को खाना खाने के बाद 1 tablet का सेवन करना होता है। अब जान लेते हैं इस टैबलेट को लेने से पेशेंट में क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे पेशेंट का अपसेट स्टमक, उसके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, उसको दस्त, सिर दर्द या फिर मतली वगैरह और स्किन रैशेस वगैरह शरीर में हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो उसी कंडीशन में आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो लास्ट में यही कि दोस्तों, ये जो फेबुरोल 80 mg टैबलेट है, इसका यूज़ गाउट मीनिंग गठिया और हाइपरयूरिसीमिया मीनिंग अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो उन सारी कंडीशन में इसका यूज़ है वो किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी फेबुरोल 80 mg टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।